बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। सत साहिब, यदि आपने श्लोक टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। परमात्मा कहते हैं सच को कोई मानता को नहीं और झूठ में कह सकता नहीं, और सत को ये मानते नहीं, इस झूठ को स्वीकार किए बैठे हैं। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रावण के पुत्र मेघनाद ने ऊपर जाकर अपनी सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से उड़ा करके और स्वर्ग पर धावा बोल दिया, सब 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल दिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उसको अपनी पुत्री की शादी करके अपना पीछा छुटवाया, देवताओं के राजा को और हम देवताओं के पुजारी बना रखे। हमारे को देवताओं की पूजा करवाया जा रहा हमारे से नादान ऋषि नीम अकीम संतों के द्वारा, और जिनको रावण ने कैद में बांध के घेर दिया था उन देवताओं को। अब ये बातें विचार करने से निष्कर्ष निकलेगा, अब बुद्धिजीवी समाज है इस पर विचार करेंगे, वो परमात्मा कौन है जिसकी हमें युगों से तड़प है और वो नहीं मिलेगा तब तक हमें कहीं सुख नहीं है। और अब इंद्र अंत में मरने के उपरांत वो गधा बने, प्रारंभ उसका गधे की जोनी से होता है, ये रूल ऐसा नियम है, क्योंकि उनके आधार पर वो राजा बनता है, पाप उसके जोंके तो रखे रहते हैं, उन पापों के आधार से फिर उसकी जोनी शुरू होती है। इस प्रकार याद दिलाना चाहते हैं कि तंदर सुखिया कोई ना देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीति हो, है कि रंग तो स्वाभाविक दुखी होता है, और फिर कौन सुखी है, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतने वाला संत कौन होता, कौन है? जैसे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त कर ले वह शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ कर दे वह, और फिर बीड़ी शराब मांस तमाखू या दूसरे की देखम देखा कोठी पर कोठी गार्डन की कोठी पर कोठी बनाने की बढ़िया कार खरीदने की ये होड़ नहीं लगावे। किसी ने कन्या की शादी की है और उसने 1,00,000 रुपया लगा दिया तो वह रीस नहीं करा, गुरुदेव के वचनों पर चला कि भी हमने दहेज नहीं देना। चाहे फिर देखो मालिक के खेल कितनी रजा होगी आपके बच्चों पर, तुम मानते नहीं कती भी, आप बिल्कुल फैसला कर लो कि हम लड़की का ब्याह वहां करेंगे जो बिल्कुल एक नया पैसा नहीं मांगे, और देख जहां बच्चे का सहयोग है उसने तोड़ कौन देगा। तो इस प्रकार हम आधे से ज्यादा दुख तो अपने आप इकट्ठा कर रहे हैं, देखम देखा इतना खर्चा करने लगे, लड़के की शादी पर 1,00,000 रुपए लगा देते हैं, लड़की के खर्चे ना जाने कितना कर्जा करते हैं, फिर गरीब व्यक्ति देखम देखा उसने करना पड़ता है, मेरी बेटी कहीं आत्मा दुख ना पावे इसलिए उसने भी उस समस्या मोल लेनी पड़ती है, फिर वो कर्जा दुखी करता है बेचारा, सारा जीवन कष्ट में हो जाता है, यो नरक बना लिया हमने सुख में जीवन को। तो परमात्मा कहते हैं मन चाहता है गुटी लगा लूं, मन चाहता है बकरे खा लूं, मन चाहता है ताश खेल लूं सिनेमा देख लूं, और सत्संग में आने से आनाकानी करता है, इसको मन जीतना कहते हैं। सतगुरु के वचनों पर चले और बुराई त्याग के अपना सौकाम त्याग कर प्रभु के चरणों में आ जावे, इससे जीवन सफल होगा। और परमात्मा ने जो दिया है जैसा भी उसमें प्रसन्न रहे, राज्य क्रम का राम की रजत है जो शीश दास गरीब दरस प्रस्तिस बैठे जगदीश, जिसमें आप परमात्मा के चरणों में आ जाओगे उसमें ये परमेश्वर का काम है आपको कैसे सेट करना है। सतगुरु के चरणों में आकर के क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे, इससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए हमें। हम प्रतिदिन देखते हैं कि ऐसे ऐसे भरे पूरे परिवार को त्याग कर पूरे के पूरे साज बाज ने छोड़कर जीव चला जाता है।
अभी पीछे अमेरिका में एक भूकंप आने की संभावना थी, वो भूकंप वो साइक्लोन आया, एक समुद्री तूफान आ रहा था। पूर्व सूचना पाकर के वो 10-10 मंजिल की कोठियों को छोड़कर स्पीड खींच दी, छोड़कर भाग गए बड़ी बड़ाइयों को जान बचाने के लिए। परमात्मा कहते हैं ये तो जीवित रिहर्सल देखो, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ये यहीं रह जाएंगे। आपको बताया था कि एक बार इधर गुजरात में भूकंप आया था और 4-4 मंजिल की कोठियां वहीं सारी की सारी जमीन में चली गई थी। लाखों व्यक्ति एक 5 मिनट के अंदर लाखों व्यक्ति खत्म हो गए थे। उनको स्वप्न में भी ना सोचा था कि हम अभी ऐसे हमारे साथ बीत जाएगी। उससे पूर्व ऐसे जोड़ जोड़ के कोठी पर कोठी बनाने की और बैंक में संग्रह करने की होड़ लगा रखी थी। इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि भाई यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, और केवल इतना ही संग्रह कीजिए जो छोड़कर चलते समय उसमें ममता ना बने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब हम सुनते अधिक हैं, खूब श्रद्धा भी है आप लोगों की, पर उस पर जो परमात्मा हमें जिस रंग में रंगना चाहते हैं हम इतना रंगे नहीं जा रहे। उसमें रंगे कैसे जाएंगे कि आप सत्संग सुनते रहिएगा और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा इन वचनों पर चलने को स्वीकार करेगी, क्योंकि ये मन काफी जन्मों से काफी युगों से यही बकवादों में रंगा हुआ है। अब इसको थोड़ा समय लगेगा इसमें ढलने के लिए, और ढल जाएगा। ऐसी बात नहीं क्योंकि हमने कुसंग भी जो सीखी है, बुराइयां सीखी है, हम कुसंग में सीखी हैं, और हमने अच्छाई सीखने के लिए भी सुसंग मिला है, सत्संग मिला है, तो इसमें धीरे धीरे हम इसको ग्रहण करेंगे और फिर एक दिन ऐसे रंग जाएंगे कि हमने ये दूसरी बातें कतई नहीं अच्छी लगेंगी। कोई अगर आपके पास आकर कोई व्यवहारिक बातें करेगा तो आपको कतई नहीं सुहागा, उससे शीघ्र ही पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे, ऐसे फिर इतना रंग में रंग जाओगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।